नाभिकीय बल जो नाभिक की वजह से होता है। फर्स्ट उसने बताया नाभिकीय बल, और दूसरा उसने बताया जो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण लगाने के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो बल। तो उसने उस बल को कहा कि दूसरा बताया, एक तो हो गया नाभिकीय बल और दूसरा इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न बल। तो ये तो पूरा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, इसने परमाणु की संरचना को इस तरीके से बताया, लेकिन इसकी कुछ कमियां थी। इसकी क्या क्या कमियां थी, इसकी कमियां क्या थी, इस मॉडल की कुछ कमियां थी, क्योंकि क्लार्क मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे, क्लार्क मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत दिया था। क्लार्क मैक्सवेल वे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत क्या कहता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण सिद्धांत, ये सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी आवेशित कण होता है वो चक्कर लगाते लगाते अपने जो आवेश को कम करता है। मतलब क्या कहता है कि कोई भी जो आवेशित कण होता है वो जब चक्कर लगाता है किसी के भी चारों तरफ तो वो ऊर्जा का लॉस करता है। मतलब उसने ये कहा क्लार्क मैक्सवेल ने कि कोई आवेशित कण है, माना ये इसके चार कोई आवेशित कण है ये जो किसी भी वस्तु के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या करेगा कि चक्कर लगाते लगाते अपनी ऊर्जा को कम करेगा। मतलब ऊर्जा की कमी होगी, चक्कर लगाने से ऊर्जा की कमी होगी। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि भारी भाग में जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन्स है वो सिर्फ नाभिक के चक्कर लगाते हैं। तो फिर इस हिसाब से तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे जैसे स्पिन करेंगे, जैसे कोई ये तो नाभिक है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, यही बताया ना रदरफोर्ड ने, यही बताया कि अंदर जो नाभिकीय भाग है उसके चारों तरफ बाहरी भाग के इलेक्ट्रॉन्स है वो चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मैक्स क्लार्क मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन भी एक आवेशित कण है जिस पर ऋणावेश है, तो ये इसकी ऊर्जा चक्कर लगाते लगाते कम होगी, और वो कम होने के बाद तो नाभिक में मिक्स हो जाना चाहिए, ये एक मोमेंट ऐसा आना चाहिए कि वो नाभिक में मिक्स हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस बात को वो रदरफोर्ड समझा नहीं पाए। और दूसरी कमी क्या थी इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, ये थी कि परमाणु का जो परमाणविक स्पेक्ट्रम है वो रदरफोर्ड के अनुसार जो स्पेक्ट्रम हमें मिला वो सतत होना चाहिए। रदरफोर्ड के अनुसार जो स्पेक्ट्रम हमें मिला वो सतत होना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड का जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है वो होता है रेखीय। सो इस बात को भी रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। तो इस रदरफोर्ड की कमियों को दूर करने के लिए, एक और परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक और सिद्धांत आया जिससे बोलते हैं हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल या बोर का परमाणु मॉडल। तो ये बोर का परमाणु मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।